रघुपुर सभी को भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इसी उत्सव के साथ आज की कथा विश्राम दे रही है। कौशल्या के प्यारे राम है जग के रखवारे, दयालु भक्तों से हारे कृपालु जग के उजियारे, विविध भवों के हरैया की आरती चारो भैया की, विविध भवों के हरैया की आरती चारो भैया की, आरती प्रेम सहित गाओ आनंद लो प्रेम सहित गाओ आनंद लो ना।
सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं समस्त गुप्ता परिवार से महिला मंडल की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से पूज्य श्री महाराज जी के यहाँ आगमन पर हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पिछले 4-5 मास से यात्रा में है। पीछे महाराज जी की श्री बद्रीनाथ धाम में कथा हुई, बेटा में कथा हुई, राम मंदिर में कथा करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसके तुरंत बाद एक दिन के बाद पुनः दिल्ली में कथा है। इतनी व्यस्तता के बीच में ही पूज्य श्री महाराज जी ने बहुत कृपा की, हमें समय दिया। चंडीगढ़ में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन पर पूज्य श्री महाराज जी की विशेष कृपा रही है और गुप्ता परिवार उन्हीं विशेष परिवारों में एक है और उनके अनुग्रह को स्वीकार करते हुए पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पधारे हैं। रघुवंशम ईश्वर
शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप विज्ञान विश्राम दया चरणों में जो नखमणि चंद्रिका है, एक अंगुष्ठ जो है, अंगुष्ठ ही धोया जाता है, अंगुष्ठ की ही पूजा की जाती है। लेकिन अब भक्त लोग तो भक्त लोग हैं, पूरा चरण धोएंगे, पूरे चरण में जो है हाँ, और कहीं चेलियों के चक्कर में पड़ गए, अगरबत्ती दिखाओ, आरती उतारो, फिर प्रार्थना करो। ये चरण जो संज्ञा है, भाई कहाँ गए थे? कहा गुरु चरणों की पूजा करने गए थे, क्योंकि वो चरण है। गोविंद चरणों की पूजा करने गए थे, क्योंकि गोविंद चरणों में 48 चिन्ह। भक्तों के चरण कहाँ होते हैं? इस चौपाई को याद कर लो। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसो तिनके मन माही, राम बसो तिनके मन माही, किनके चरण राम तीरथ चली जाए, चरण राम तीरथ चली जाए। जब आप तीर्थों की यात्रा करते हैं, उस दिन वो चरण होता है। जब आप इन चरणों से तीर्थों की यात्रा, तीर्थ में रहोगे तो चरण, और फिर अगर वापस आ गए तो पांव है, लात है, टांग है, इसके बहुत सारे नाम हैं, लात भी है, टांग। हम भक्त के
भक्त हमारे हम अन्वेषण करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वनपथ पर जा रहे हैं। शिव जी ने देखा कि मेरे मन की बात भगवान ने सुन ली। मेरे मन में ये विचार आया कि दर्शन हो जाता तो बड़ी कृपा होती, ये तो वनपथ पर जा रहे हैं। शिव जी ने लंबा साष्टांग मारा। रामायण में लिखा है, जय सच्चिदानंद घन पावन अस कही चले मनोज न सावन। भगवान भूत भावन ने हे सच्चिदानंद कह करके अभिनंदन किया, वंदन किया। इसमें तीन शब्द है, सत चित और आनंद, तीनों को मिला दो तो बन जाता है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। यहां विरोधाभास है, किसी की घरवाली गुम हो गई हो और पति जंगल जंगल ढूंढ रहा है, क्या वो कभी सत्व में स्थित रह सकता है? क्या उसका चित स्थिर रह सकता है? क्या उसे आनंद की अनुभूति हो सकती है? लेकिन शिव जी इस बात को समझ रहे थे कि ये प्रभु की लीला है, वास्तविकता नहीं है। जैसे आप सीरियल में देखते हो, चलचित्र में देखते हो, मर गया आप भी रोते हो। सीरियल में कोई मर गया तो उसको देख करके तुम रोना शुरू कर देते हो। जैसे कोई दिन भर झूठ बोलता हो, ये तो बड़ा पवित्र नगर है चंडीगढ़, यहाँ झूठ नहीं कोई बोलता, लेकिन जो दिन भर झूठ बोलता हो उसको अगर नाटक में हरिश्चंद्र बना दिया जाए तो उसको नाटक में पाठ क्या दे दिया, सत्यवादी हरिश्चंद्र का। अब वो कहीं अपनी दिनचर्या के अनुसार झूठ बोलना शुरू किया तो देखने वाले क्या कहेंगे, ये तो बड़ा घटिया किस्म का हरिश्चंद्र है, ये तो झूठ बोलता है। भाई सत्यवादी की भूमिका में है तो सत्य का निरूपण करे। झूठ जिसने कभी चींटी नहीं मारी
लेकिन नाटक में उसको बना दिया रावण। अब वो तो मारकाट करेगा है? अगर जा के अनुसार रावण सज्जन की तरह बैठे रहे मंच पर तो देखने वाले लोग कहेंगे कि शरणैन उघारा। तीसरा ये बहुत ही खतरनाक भी है, उसे त्राटक कहते हैं, हमारे यहां साधना है। अगर त्राटक सूखे पत्ते की ओर उस पर सिद्ध करना शुरू करे, देख लिया थोड़ी देर जल के भस्म हो जाए। हमारे चंद्र में साधु संत सिद्ध लोग कैसे रहते हैं? क्योंकि जहां सिंह गर्जना कर रहे हो, हिंसक जीव गर्जना कर रहे हो, वह त्राटक है। एक बार वो उसको खाने की दृष्टि से देखेगा और जिसको त्राटक की स्थिति हो गई है वो उसके तरफ देखेगा, एक बार इशारा करेगा, वापस उसको जाना पड़ेगा। निवेदन कर रहा था साधकों में आज भी ऐसे साधक देखने को मिलते हैं, और जंगल में रहते पढ़कर के बताए, लेकिन किसी खाने वाले से पूछो वो बताएगा, सही बताएगा, वो अपना अनुभव बताएगा कि भाई इतना मीठा होता है। तू कहता कागज की देखी और मैं कहता निज नैनानी देखी। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, अगर उस नेत्र का कोई शिकार हो गया तो फिर भस्म ही दिखाई देगा, जरूर करेगा। देवियों को रोको कि रो मत तो स्वर और बढ़ जाएगा। प्रतिनाथ कर हो यही नाम अनंग, आज से तुम्हारा पति पूरे विश्व में व्याप्त रहेगा लेकिन शरीर से नहीं, उसका नाम होगा अनंग। अब ते शिव जी का वरदान है, अब ते बिना ब्रेक की गाड़ी कोई खरीदता है? करोड़ों की गाड़ी हो और उसमें ब्रेक ना हो तो क्या तुम खरीदोगे? माता पिता जो है संतानों के ऊपर ब्रेक लगाते हैं, यहां पांव से गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है, वहां कान पकड़ा जाता है। अब तो नहीं बदमाशी करेगी, वो कहेगा नहीं मम्मी सॉरी। आजकल तो बड़ा सुंदर शब्द है, गाली गलौज कर लो, झगड़ा झंझट कर लो और धीरे से कह दो सॉरी। खाई में गाड़ी न जाए इसलिए ब्रेक है, तुम मनमाना न करो। नैननी देखा चाहे नाथ तुम्हार दिमाग गाइए। सीता
सेवा करनी है, भजन करने के लिए भी आए तो आसन से भगवान के सामने बैठे कि भजन करने का आनंद अलग है भाई। स्थान की महिमा तो है, आप घर में भी नहाते हो, नल की टोटी खोल दी है और नहाना शुरू कर दिया, वो भी नहाना है और हरि की पैरी पर भी जो है डुबकी लगाना, दोनों में अंतर नहीं है। तुम घर में भी नहा रहे हो और हरिद्वार में हरि की पैरी पर वहाँ भी नहा रहे हो, दोनों स्नान में फर्क नहीं है। वहाँ डुबकी लगाने का महत्व तो अलग है, तुम घर में भी आसन लगाओगे, आसन पर बैठ करके भजन करोगे, उसका प्रभाव है। लेकिन भगवान के पास बैठ करके भजन करने का आनंद अलग है। लेकिन साधक जो है एकांतवासी होते हैं, साधना एकांत में भजन कैसे करते हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, तो अब इसमें भजन नहीं हो पाता है, अब हम कहीं ना कहीं एकांत ढूंढेंगे, तो अब मंदिर भी एकांत है, गृहस्थ जीवन के लिए मंदिर ही एकांत है, लेकिन वहाँ भी पता लगाते लगाते पहुँच जाए। देवियाँ जो है मानने की नहीं है, चाहे कहीं भी जाकर के छुपो, अनुभवियों को अनुभव होगा। भगवान शंकर धीरे से अपना आसन उठाए और पहुँच गए वट वृक्ष के नीचे बिछाया, यही तो चर्चा का विषय है। अपने हाथों से दिखाए निज कर दासी नागरी पुछाला, बड़ा खटपट हो रहा है घर में, सभी बच्चे आपस में लड़ते हैं, देवी अपना संभालेगी, आसन उठाया अपने हाथों से बिछाया, निज कर दासी नागरी पुछाला। बाघंबर, नागरिक मतलब बाघंबर, एक तो मृगचर्म होता है और बाघंबर जो है बाघ का चर्म होता है, बड़ा दुर्लभ है। अभी माला शुरू ही किया था, घर वाली को आते हुए देख पार्वती भर अब सर जाना, पार्वती अब सर जाना, गई संभो पहि मातु भगवान,
भजन करने बैठा हूँ और इस आनंद में अब तो ये मेरी प्रिया रही आदर की, आदर किया, सम्मान किया और बाम भाग हर आसन देना संकेत किया आपने बगल में बैठने का। जैसे शिव जी ने कहा कि देवी आओ बैठ जाओ, प्रेमाश्रु छलक आए, सजन मित्रों से पति की ओर देखे, देवी तुम रो रही हो। आज फिर से हमें वो अधिकार प्राप्त हो गया, कोई किसी ऊंचे पोस्ट पर हो और किसी कारण सस्पेंड हो गया हो, दुखी होगा, लेकिन जिस दिन उसकी नियुक्ति फिर से हो जाए, अब उसके भीतर जो आनंद का सैलाब उमड़ेगा वो आंखों से ही तो रहेगा। पार्वती जी रो गए, भगवान शिव ने श्री के ऊपर बरदस्त रखा। देवी कहा महाराज, जिस अधिकार को मैं खो चुकी थी, आपने हमारा परित्याग कर दिया था, आज वो अधिकार सहज भाव से प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप अन्यथा न माने ये प्रसन्नता क्या सुख। मैं इतनी खुश हुई हूं, मैं इतनी खुश हो गई हूं कि मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए आंसू छलक आए। स्वामी भगवान ने कहा कि ठीक है, आंसू पूछो, आने का प्रयोजन बताओ। मैं भजन करने बैठा हूं और इस समय तुम आई हो तो पहले हम तुम्हारी बात सुन लेंगे, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ाएंगे। एक बार कहो, कहने में देर है, मुझे करने में देर नहीं होगा। हे देव, मैं आपसे राम कथा सुनने आई हूं। आज भगवान शंकर के मुखमंडल पर हंसी आई। देवी तुम और राम कथा, कोई और बात करो। मैं कई बार प्रयास किया कि तेरे को कथा सुनाऊं, लेकिन तूने अवज्ञा की। पार्वती जी के प्रश्न है, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सीता सीता राम जय सीता राम।
कथा जो सकल लोक हितकारी समस्त भूमंडल को जो पावन करने वाली पावन श्री राम कथा है, सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज मैं शैल पुत्री हूँ, आज तक आपके मन में सती बैठी है। अरे महाराज वो कथा नहीं सुनने वाली जो थी उसका तो संस्कार भी हो गया। सबसे पहला स्वरूप माता का क्या होता है नवरात्रों में? पहला रूप क्या है? शैल पुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। जड़ता में से श्रद्धा की उत्पत्ति। ये शरीर को जड़ भी कहा गया, जड़ और चैतन्य दोनों एक दूसरे से विदा हुआ है, लेकिन इस जड़ता में से श्रद्धा की उत्पत्ति जिस दिन हो जाए उसी दिन जीवन में संतोष और शांति की अनुभूति होने लगती है। श्रद्धा बालभते ज्ञानम गीता कहती है। ज्ञान भी उसी को मिलता है, ज्ञान भी वही टिकता है जहां अटूट श्रद्धा हो। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। परिवार आपका पारिवारिक जीवन जो है वो सुंदर कब बीतेगा? जब एक दूसरे के प्रति श्रद्धावान होंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग बैठे हैं। जो माता पिता की सेवा करे पहले माता पिता को खिलाओ, फिर अपने खाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, अपने खाओ। अरे माँ तो वो होती है कि अपना हिस्सा भी किसी को खिला देती है। इसीलिए माँ का दर्जा सर्वोपरि है, सबसे अधिक क्या पितुः दस गुना माता पिता से दस गुना माँ का अधिकार संतानों के ऊपर क्या होता है? क्योंकि इससे बढ़कर के और कोई है ही नहीं परिवार में। माँ सबको खिलाकर खाने वाली, दिन रात काम करने वाली। माँ ये बना देना, माँ वो बना देना, माँ वो बना देना, वो पराठे बना करके दे दी, दूसरे ने कहा कि हम खिचड़ी खाएंगे, वो खिचड़ी बनाएंगे। तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माँ कभी उसके ऊपर विचार किया? हमने आपको पहले भी सुनाया था प्रसंगानुकूल दो पंक्ति। सेवा से उनके हटना न पीछे, स्वर्ग है माँ के पांवों के नीचे। सेवा करो मिलके भग। जब तुम पूछोगे गाय के थन में दूध तो है, वो कब देती है? बछड़ा जब उसमें झटका मारता है तो दूध निकल के आता है। करना पूछा भाई, पता ठिकाना पूछे तभी ना बताया जाता है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया पार्वती जी, पार्वती जी ने कहा ये मेरे गुरुदेव की बात है और अपने अपने गुरु के प्रति सभी श्रद्धावान है। कहा बरवासा समय समय से कुछ न कुछ उठपटांग बातें किया करता था ताकि बीरबल सही जवाब दे, बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ले जाती थी। अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल तू रोज जो है अपने ईश्वर का आराधना करता है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ईश्वर क्या करता है। बीरबल ने कहा कि अब तो इसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे कहने से मानेगा नहीं, दिखाओ कर मेरे गुरुदेव देंगे
कि ईश्वर क्या करता है। कहा ठीक है। बीरबल गया, एक बाबा जी जा रहे थे, उसको हाथ जोड़ा, महाराज दरबार में चलेंगे। दरबार में जाने के लिए कैसे मना करे, क्यों मना करे, तैयार जाकर के अकबर बादशाह के सामने उपस्थित किया। कहा ये मेरे गुरुदेव हैं और ये बताएंगे कि ईश्वर क्या करता है। कहा बताओ महाराज ईश्वर क्या करता है। बाबा जी कुछ नहीं बोले, बीरबल की ओर देखा और कहा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कहीं तुम गूंगे बहरे को ले आए। अरे मैं इससे पूछ रहा हूं कि ईश्वर क्या करता है, ये बता नहीं रहा है। कहा ईश्वर के विषय में बताने वाला ऊपर बैठता है और जानने वाला सुनने वाला नीचे बैठता है। अकबर बादशाह ने कहा फिर, कहा ये तो करना पड़ेगा। तो वो जो बाबा जी थे उसको ऊपर बिठा दिया सिंहासन पर और अपने सामने बैठा। हाँ महाराज अब बताओ ईश्वर क्या करता है। बीरबल ने धीरे से कहा अब भी बात समझ में नहीं आई ईश्वर क्या करता है। नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करता है, यही हमारा ईश्वर। जो असंभव है उसको संभव कर देता है। ईश्वर की कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है। हम एक बार पुनः कहेंगे कि हमारे जीवन का बागडोर मेन स्विच उसी के हाथ में है, वो ऑन कर रखा है, इसीलिए हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी सभी क्रियाओं का संपादन हो रहा है। जिस दिन मेन स्विच ऑफ कर दे तो एक ही आवाज आती है राम नाम, सत्य है, यात्रा पूरी हो जाती है। ये ईश्वर के हाथ में। तो नारद जी ने क्यों श्राप दिया, यहाँ बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, ईश्वर जैसा करते हैं। क्यों नारद जी ने श्राप दिया ये कथा हम 5 मिनट बाद सुनेंगे। अभी हमें संकेत मिल रहा है, अब उन संकेत की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। और अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र हमारे इस मंदिर के एक तरह से सारी व्यवस्था, सारा विभाग जो संभाल रहे हैं, परम भागवत श्रीमान सुरेंद्र जी खत्री, वो आप से कुछ कहेंगे और इनके भी विचारों को सुने और उसके बाद फिर जब मुझे वापस से माइक मिलेगा, अब मैं ये मंच और ये धन विस्तार पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। जब जीव के कोटि कोटि पुण्य संचित होते हैं तब जाकर किसी संत का दर्शन सुलभ होता है। और आप सब बहुत बड़े भागी हैं कि आप सबको पूज्य श्री महाराज जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य श्री महाराज जी कथा श्रवण करने के लिए हमारे चंडीगढ़ के कुछ गणमान्य महानुभाव, पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके उपरांत कृपया तालियों से इनका स्वागत करें। इसके उपरांत श्री जगमोहन गर्ग जी अगस्त वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और इसके अतिरिक्त कई अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भी वो जुड़े रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो पूज्य श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रदीप बंसल जी जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी पूज्य श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। AKM रिजॉर्ट के ओनर है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी पूज्य श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चंडीगढ़ के जाने माने गणमान्य व्यक्ति हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी पूज्य श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अंत में श्री अशोक सिंगला जी मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी पूज्य श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अयोध्या जी में श्री राम जन्म के स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का स्वप्न हमारे वैकुंठ जगत गुरु पूज्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी ने एक स्वप्न देखा था, और उस मंदिर के आंदोलन को लेकर अयोध्या में उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो प्रथम मीटिंग हुई थी वो अपने श्री सुग्रीव किला में हुई थी, और ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो आज आपके सामने राम मंदिर के रूप में आपके सबका है। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का जो आज उनका स्वप्न साकार हो रहा है उसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। दूसरा स्वप्न उन्होंने दिव्य देश श्री सुग्रीव किला अयोध्या में राजगोपुरम के निर्माण की एक कल्पना की थी, लेकिन अपने जीवन काल में वो कल्पना साकार ना हो सकी, तो उसको साकार करने का बीड़ा पूज्य कथाया पूज्य श्री गुरुदेव जी ने उठाया है, और दिव्य बहुत ही भव्य राजगोपुरम के निर्माण की आधारशिला रख दी गई है। रुपये की लागत से वो राजगोपुरम जैसा कि बताया गया श्री राम जन्मोत्सव होगा, और कल श्री राम जानकी विवाह, हालांकि विवाह पंचमी 28 तारीख को है, लेकिन कथा में कल ही श्री राम जानकी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी सज धज कर, चाहे वो जनकवासी बनकर आए अयोध्यावासी बनकर आए, इस विवाह उत्सव में अवश्य भाग लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जय सीताराम, नारद साथ दिए एक बार, नारद साथ दिए एक बार, भगवान के जन्म लेने का तीसरा कारण नारद साप दिन एक बारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, कथा श्रवण करते करते पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा है कि मेरे गुरुदेव ने श्राप क्यों दिया इतने बड़े ज्ञानी होकर के। बार की बात है, एक बार करतल भर बीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा। एक बार श्री नारद जी बीना बजाते हुए, ये उपकरण है जैसे यहाँ साज है, तो हर वाद्यों में बीना की अपनी महिमा है। संगीत का जो एक स्वरूप है तो रागियों का प्रदेश है, पंजाब तो रागियों का प्रदेश है, एक से एक राग क्या राग है हमारा। हमने खूब गुरुद्वारे की सेवा भी की है, अब एक एक करके गिना हूँ तो चाहे चमकौर साहिब, चाहे आनंदपुर साहिब हो, चाहे लुधियाना वाले आलमगीर हो,
अब कहाँ तक नाम गिना, क्या बढ़िया गाते हैं भारत। और पूरे हाँ संगीत का जो है संगीत ग्रामर है, जैसे अंग्रेजी ग्रामर है, हिंदी में है, संस्कृत में है, वैसे संगीत ग्रामर है। इसमें 12 स्वर हैं, सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 शुद्ध हैं और 5 स्वरों में सभी राग रागिनियां हैं। तो जहाँ गाओगे वहीं आ जाएंगे, वर्षा हो जाएगी, दीपक राग दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। ऐसी शक्ति है इन रागों में। श्री राग लक्ष्मी की वर्षा होती है, श्री राग अगर सिद्ध हो जाते तो रागियों का प्रदेश है। क्या जो है यहाँ गाते हैं लोग महाराज, मालकोशम तुम जो होगा वही देगा। क्यों आप स्वस्थ हैं, किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई ना कोई बीमारी, क्योंकि वो बीमारी का विशेषज्ञ है। आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं, कोई ना कोई ग्रह तो वो कहेगा भगत जी अब थोड़ी देर कीर्तन शबद कीर्तन हो चाहे कोई भी कीर्तन। कलयुग में केवल कीर्तन की महिमा है। कलौ केशव कीर्तनात्, कीर्तन करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। राम ही सुमिरिय, यहां प्रदेश गुरु नानक देव जी ने उनकी लिखी हुई ये पंक्ति है, सुमिरन कर ले मोरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। राम जी की चर्चा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी चर्चा है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। 24 में राम मंदिर में भगवान का दर्शन होगा, उद्घाटन हो जाएगा। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी चालू हो जाएगा। रक्षा व्यवस्था, भारत माँ की रक्षा सभी तरह से अपने शासन काल में किया, लेकिन आजादी के बाद भारत माता को जिन सपूतों की आवश्यकता थी वो अब मिले। साल से देखो 2014 से लेकर के अभी तक हिंदुओं की एक तरह से आयु बढ़, ये देश सुरक्षित हो गया है। आज तक किसी ने भारतवर्ष की झंडा इतनी लहराई दुनिया में, दुनिया वाले अगर आज सम्मान कर रहे हैं किसी का तो भारत देश का सम्मान है। एक नंबर
इसी की दृष्टि से देखें और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम चाहे किसी भी प्रदेश के हो, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो, किसी भी बिरादरी में हो, लेकिन अगर भारतवर्ष से अकेले कोई विदेश में जाता है, किसी 5-स्टार होटल में ठहरता है, एक ही आदमी क्यों ना हो भारतवर्ष का झंडा लग जाता है, करते हैं, क्योंकि वो हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र धर्म की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इसलिए कुछ इधर की ओर, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। नारद साप दिन अखबारा, नारद साप दिन अखबारा। कथा श्रवण करते करते पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा है कि मैं एक दिन सागरा ढूंढता है, हम किसी को ढूंढेंगे तो एक दिन वो ढूंढता है। अब नारद जी ने देखा गंगा जी में डुबकी लगाई और जैसे माला झोली ली और नाम जप शुरू किया, जप करते करते समाधि लग गई। तो सबसे ज्यादा चिंता हुई समाधि भंग करो, लेकिन यहां बड़ी सुंदर सूत्र, सीम की चाबी सकई को कहा। अब क्या होगा, ब्रह्मा जी से पूछा लोगों ने, आपने ऐसा वरदान क्यों, ये पूरे विश्व में आतंक मचा रखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या किया इसीलिए वरदान दिया, अब उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो मैं अवसर पाई वचन हरि व्यापक सर्व उसमें नियत नहीं है, लेकिन गैस के चूल्हे पर आप पतीला रख दो दूध का और कहो गरम हो जा, वो तब तक गरम नहीं होगा जब तक उस अग्नि को प्रकट नहीं करोगे। ऐसी भगवान है, दोनों का संयोग होगा, माचिस की तिल्ली उसमें लगाओ, वो अग्नि प्रकट होगा, उससे तुम्हें लाभ मिलेगा। सिर्फ कहने से तो हरि व्यापक तो है, लेकिन प्रकट कैसे होंगे, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं, प्रेम ही फलता रहे और प्रेम ही भूलता रहे, प्रेम के भी प्रेम से मिलता रहे, प्रेम से सिंचन किया पौधे बड़े फिर प्रेम से, प्रेम के फल फूल को फिर प्रेम से चुनता रहे, प्रेमियों को रस मिलेगा प्रेमियों के प्रेम से, प्रेम फिर बढ़ता रहेगा प्रेमियों के प्रेम से, प्रेमियों के प्रेम से मजबूर हो गई आत्मा, इसलिए प्रेमी के बस में हो गए परमात्मा। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना
पुकारो और राम जन्म से पहले ये प्रार्थना। जय जय सुर नायक जन सुख दायक हमारी समस्याओं को सुलझाओ। प्रार्थना के ऊपर भक्तिमानी भक्तों तुम सब निश्चिंत, ये धरनी अभिनय थल होगी, धरनी धर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, अयोध्या अवधपुरी रघुपुर अशांति बनी रहती है। अपुत्रस्य हृदयं शून्यम्, अपुत्र का हृदय, एक तो घर भी सुना, अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा। एक तो घर सुना, वो महल सुना, वो राजमहल सुना, और हृदय में सबसे अधिक दुख दोना। कभी कोई किसी के बच्चे को गोद में ले और वो उसको उसी समय उससे छीन ले तो और गलानी होती है। दशरथ जी को एक बार भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कुर्बानी 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 पाले में बनैया।
बजे आप सभी को भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इसी उत्सव के साथ आज की कथा विश्राम ले रही है। सभी लोगों को वहाँ प्रसाद प्रसाद सभी लोग प्रसाद लो। और
आंटी की फोटो कर दूँ, इतना अच्छा बर्बाद सजा हुआ है। ठीक है आंटी, मैंने बहुत सारे